इस्लामियात की बुक्स निकालें, पेज नंबर 106 ओपन करें। अच्छा बच्चों, आपको पता है मस्जिद किसे कहते हैं और मस्जिद में हम क्या करते हैं? किस किस को पता है? जवाब दे, मस्जिद किसे कहते हैं? यहाँ पे नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जवाब दिया महल ने, जहाँ पर नमाज पढ़नी चाहिए। और मस्जिद किसका घर है? अल्लाह ताला का। हाँ जी, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। आपको पता है मस्जिद में हम क्या करते हैं? मस्जिद में सब मुसलमान जमा होकर नमाज अदा करते हैं। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। इस तरह से हर चीज के कुछ मैनर्स होते हैं, इसी तरह मस्जिद के भी कुछ आदाब हैं। क्या करते मस्जिद के भी कुछ आदाब हैं, कुछ मैनर्स हैं मस्जिद के, कि हमने मस्जिद में दाखिल होना है तो कैसे दाखिल होना है, हम मस्जिद से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, और हमने मस्जिद में जाके कौन से काम करने हैं, और कौन से काम करने से हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, क्योंकि हमें मस्जिद का तो एहतराम करना चाहिए ना। तो जो चीज़ें मस्जिद के एहतराम के खिलाफ होती हैं, वो काम हम मस्जिद में नहीं करते। आज के चैप्टर में हमने यही रीड करना है कि मस्जिद की अहमियत क्या है और मस्जिद के आदाब क्या है। महा, आप रीडिंग स्टार्ट करें। मस्जिद के माना सजदा करने की जगह मस्जिद वो जगह है जहां मुसलमान दिन में 5 मरतबा होकर जुमात नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा नवाफल तलावत कुरान करीम और इसका जिक्र इलाही से भी इसे बात करते हैं। साजिद जन्नत के मवाद हैं। अल्लाह ताला ने नजर से जमीन पर सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। इसका अदब बहुत नाम करना और एहतराम करना और इसे साफ सुथरा रखना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। मस्जिद के चंद आदाब हैं जो आप आदाब का ख्याल रखें का अल्लाह ताला इससे खुश होंगे। प्यास लहसुन या कोई भी
बदबूदार बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में ना जाए, अपने जूते चप्पल मस्जिद से बाहर झाड़ कर सलीके से मना सब जगह रखे। जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले सीधा पाँव दाखिल करें, बिस्मिल्लाही अस्सलामु सलामु अला इल्लाही। आगे पहले इस्फहान बहुत ठीक लाइनिंग है। अगर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े, मस्जिद में दाखिल होते वक्त नकली इत्तिकाफ की नीयत करें, नकली सब में जाने के लिए लोगों की ना जाए, मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो दो रकअत पढ़ें नमाज। मैं किसी और से रीडिंग करवाती हूँ। शजीहा बाप रीडिंग करें। टीचर मैं बाद में आई हूँ, मुझे नहीं पता। पेज नंबर 107 खोलें। खोल दिया। मस्जिद की अहमियत और आदाब वाला चैप्टर है, सेकंड लाइन से आपने रीड करना। ओके। नमाज खत्म होने के बाद फौरन ही अपनी जगह से ना उठें, बल्कि थोड़ी देर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहें। जमात खत्म होते ही फौरन सुन्नतों की नियत ना बांधें, सुन्नतों की नियत ना बांधें ताकि गुजरने वालों को तकलीफ ना हो। नवाफिल वगैरह मस्जिद के दरवाजों के सामने और रास्ते में ना पढ़ें, बल्कि एक तरफ होकर पढ़ें। नमाज पढ़ने वाले के सामने से हर गुजर ना गुजरे, क्योंकि नमाजी के सामने से गुजरना सख्त गुनाह है। मस्जिद में शोर मचाना और दुनियावी बातें करना मना है। मस्जिद में खेल कूद और भाग दौड़ अच्छी बात नहीं है। मस्जिद में अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, मसलन तीसरा कलमा, दूसरा दुरूद शरीफ,
या फिर नफल पढ़ें, या आहिस्ता आवाज में कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। मस्जिद से निकलते वक्त पहले उल्टा पांव बाहर रखें। बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलुल्लाह पर कर मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़े। जिस तरह लड़के मस्जिद में जाकर मस्जिद के फजाइल हासिल कर सकते हैं, इसी तरह लड़कियां भी घर बैठे ये सारे फजाइल हासिल कर सकती हैं। इसका आसान तरीका ये है कि लड़कियां अपने घर में ही एक जगह नमाज के लिए मखसूस कर लें। फर्ज नमाजें नवाफिल जिक्र और तिलावत वगैरह सारे अमाल इसी जगह क्या करें तो उनको घर से बाहर निकलना बगैर अमाल मस्जिद में अदा करने का सवाब मिलेगा। क्लास थ्री हमने क्या पढ़ा है मस्जिद के आदाब में? कुछ समझ आया आपको हमने क्या पढ़ा है? मस्जिद के मायने है सजदा करने की जगह, यानी मस्जिद में जाके हम नमाज पढ़ते हैं ना, मस्जिद के मायने है सजदा करने की जगह। और मस्जिद ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे तमाम मुसलमान जो है वो दिन में पांच मरतबा, पांच नमाजें फर्ज हैं तमाम मुसलमानों पर, तो मुसलमान दिन में पांच मरतबा जो है इकट्ठे होकर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। घर में तो वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जाकर वो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। और अगर घर में जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे भी तो घर में तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, बस हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लेकिन जब हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और हमें नमाज का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। मस्जिद जन्नत के बाग हैं, जन्नत के बाग हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह कौन सी है? मस्जिद, यानी अल्लाह ताला को मस्जिद सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़मीन पर जितनी भी जगह है ना उन सब में से सबसे ज़्यादा जो पसंद है अल्लाह ताला को चीज़ वो मस्जिद है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें मस्जिद को साफ सुथरा रखना चाहिए और मस्जिद के कुछ मैनर्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अब वो मैनर्स कौन कौन से हैं कि हमने कोई भी बदबूदार चीज़ वो चीज़ जिसको खा के हमारे मुंह से स्मेल आए वो खा के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, जैसे प्याज है लहसुन है, अगर हम इस तरह की चीज़ें खा के जाएंगे तो नमाजियों को तकलीफ होगी, यानी वो जब हमसे बात करेंगे हमारे मुंह से स्मेल आएगी तो उनको भी तकलीफ होगी और इसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ होगी। और अपने जूते जो हैं क्या हमें जूते मस्जिद के अंदर लेके चले जाने चाहिए? जूते मस्जिद के अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि उनको हमने बाहरी जो जगह बनी होती है जूतों के लिए वहां पे रखना होता है। जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले सीधा पाओ जब के दाखिल हो और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ करनी चाहिए। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें पहली सफ में जगह मिल जाए, सफे बनती है ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें पहली सफ में जगह मिल जाए तो उसके लिए लोगों के आगे से गुजरना है या लोगों के ऊपर से लांग के नहीं जाना चाहिए बल्कि एक साइड से होके जाना चाहिए। अगर पहली सफ में जगह होगी तो हमें मिल जाएगी, अगर जगह नहीं है तो फिर आपको दूसरी या तीसरी या जिस सफ में भी जगह है आपको उस सफ में नमाज पढ़नी पड़ेगी।
और आपको पता है नमाज पढ़ने के लिए सफ़े बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं करते कि मस्जिद में गए हैं तो कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ लें, ऐसे हमारी नमाज नहीं होती। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ें। सफ़ क्या होती है पता है किसी को? क्या बताऊं समाहा, क्या समझ नहीं आया आपको? चैप्टर का नेम समझ नहीं आया? समाहा क्या पूछ रही है? मैं आपको ये चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो समझा रही हूँ। पेज नंबर 106 पे भी आपने रीडिंग की है ना, वो वाला चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी कि सब किसे कहते हैं? जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो हम लोग एक लाइन बनाकर नमाज पढ़ते हैं, सारे एक दूसरे के साथ खड़े होके लाइन बना के नमाज पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन आंसर नहीं करने, इसके करने हैं अभी हम करते हैं। अगर हम सफ में नमाज नहीं पढ़ते तो हमारी नमाज नहीं होती है, और हमें अपनी सफ नहीं बनानी चाहिए बल्कि जो सफ बन रही हो वहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं करते कि कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अगर हम मस्जिद में दाखिल हो, टीचर आज हमने यही करना है। हाँ जी, आज हमने ये वाला चैप्टर करना है। अलैकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम टीचर, आपने ताइफ के सफर के आपने फीलिंग वो खाली जो आप करवा दिए थे खाली जगह? हाँ जी मैंने करवा दिए थे। आपने नहीं किया? नहीं टीचर, मैंने कर लिए थे, पूछ रही थी। अच्छा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज खत्म होने के बाद फौरन अपनी जगह से नहीं उठ जाते बल्कि थोड़ी देर उस जगह पे बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। और जब जमात की नमाज खत्म होती है, हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं ना, जब जमात की नमाज खत्म होती है तो फिर सुन्नतों के लिए, यानी हमने चार फर्ज पढ़ लिए हैं तो हम फौरन से सुन्नतें पढ़ने के लिए नहीं खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो गुजरने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ फर्ज पढ़ने थे उनको तकलीफ होगी। और मस्जिद के दरवाजे के सामने या रास्ते में खड़े होकर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि साइड पे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे ताकि जो गुजरने वाले हैं उनको तकलीफ ना हो, कोई मसला ना हो। अगर हम दरवाजे में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो मसला होगा ना, और अगर नमाज पढ़ते हुए हमारे सामने से कोई गुजर जाता है तो उस पर हमें गुनाह भी मिलता है। मस्जिद में शोर नहीं मचाते और इसी तरह दुनियावी बातें करना मना है, यानी दुनिया की जो बातें हैं इधर उधर की फजूल बातें नहीं करते हैं, खेलते नहीं हैं, भागते दौड़ते नहीं हैं, बल्कि मस्जिद में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर आप फारिग हैं, आपने नमाज पढ़ ली है तो आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद से निकलते हुए उल्टा पाँव बाहर रखते हैं, और लड़के क्या करते हैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, लड़कों को मस्जिद में ही नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग अजान हो जाती है वो मस्जिद से में नहीं आते ना नमाज पढ़ने के लिए, मेरा दिल करता है कि मैं उनके घर जाऊँ और जैसे ही अजान हो मैं उनको मस्जिद की तरफ लेकर आऊँ, और अगर वो ना आए तो मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाया कि मस्जिद नमाज का वक्त हो और हम मस्जिद में ना जाए नमाज पढ़ने के लिए।
अब लड़कियां क्या कर सकती हैं, लड़के तो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे उन्हें बहुत ज्यादा सवाब भी मिलेगा, लड़कियां तो मस्जिद में नहीं जा सकती, तो लड़कियां क्या कर सकती हैं कि वो घर में एक जगह रख लें कि हमने यहाँ पे नमाज पढ़नी है और नमाज वहीं पे पढ़ें और सारे अमाल उस जगह पे करें, तो उनको जैसे जिक्र है, नमाज पढ़ना है, तिलावत करना है, नवाफिल पढ़ना है, तो उनको मस्जिद में जाने का सवाब मिल जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला सवाल है, अल्लाह ताला के नज़दीक ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह कौन सी है? इसका जवाब कौन क्या है, कौन बताएगा? टीचर मस्जिद। हाँ जी मस्जिद, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। पेज नंबर 106 खोलें। पेज नंबर 106 खोलेंगे, आपको स्पॉटलाइट नजर आ रही है स्क्रीन पे? क्लास थ्री है, देखें स्क्रीन पे, देखें आपको स्पॉटलाइट नजर आ रही होगी। मसाजिद जन्नत के बाग हैं, जहाँ पे बुक बनी हुई है ना उसके सामने लिखा हुआ है मसाजिद जन्नत के बाग हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला के नजदीक जमीन पर सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। और टीचर क्या लिखे? लिखना नहीं है, आपने क्वेश्चन आंसर मार्क करने हैं। पेंसिल निकालें जी। पेज नंबर 106 खोला आपने? ये टीचर खोल दी है। ये देखें, ये मैंने स्पॉटलाइट यहाँ पे रखी हुई है ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखे 1। टीचर लिख लिया। अब सेकंड लाइन पे आए, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है, यहाँ पे भी लिखे 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। टीचर वो 2 टीचर जी, क्वेश्चन 1 का आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक है? टीचर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कुछ लिखा हुआ है, वो मैं अभी लिखवाती हूँ, पहले 1 वाला तो कर लें। पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरी लाइन है वो 2 खुद लिखा हुआ है, और 2 वैसे ही लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 1 लिखना है। क्लास 3 पेज नंबर 106 पे काउंट करें, फोर्थ लाइन पे आए, जहाँ पे फोर्थ लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। और ये देखें, मैंने वहां पे स्पॉटलाइट भी रखी हुई है, ये रेड कलर का निशान आपको नजर आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है। और इसके नीचे वाली लाइन में जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा है। सबको यस टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर मुसलमान के लिए क्या चीज लाजमी है? इसके बिल्कुल नीचे पेज नंबर 106 खोलें। पेज नंबर 106 ये स्पॉटलाइट देखें। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। और टीचर खत्म कहाँ हो रहे?
पेज नंबर 106 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, उसके बाद नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और सेकंड लाइन पे हर मुसलमान के लिए लाजमी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो रहा है। साथ साथ आप स्क्रीन को भी देखें, मैं स्पॉटलाइट जहाँ पे रख रही हूँ ना वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो रहा है। आपने मार्क कर ली है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां मस्जिद के फजाइल किस तरह हासिल कर सकती हैं? पेज नंबर 108 खोलें। ठीक है, खोल लिया। सेकंड लाइन पे आए, लड़कियां अपने घर में ही यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। मैंने स्पॉटलाइट भी रखी है स्क्रीन पे, देखे समाप्त क्वेश्चन आंसर्स नहीं मार्क कर रही है। टीचर क्या टीचर क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से वो हो रहा है? एज नंबर 108 खोलें। ठीक है स्वाहा, पेज नंबर 108 खोले, सेकंड लाइन पे आए। टीचर आ गए। यहाँ पे लिखा मैंने लड़कियां अपने घर में ही, जी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और एंड पे खत्म हो रहा है। हाँ जी, और एंड पे खत्म हो रहा है जहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है ना वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो रहा है। ये कॉल लिया। फर्स्ट वर्ड है मकरू, फर्स्ट वर्ड है मकरू।
ये देखिए ये लिखा हुआ है मकबूल, इसको गेट जो है वो बॉक्स बना ले, सर्कल कर ले इसको। अच्छा मैं कर ली है। चले अब जिन्होंने नहीं किया वो करें। पसंदीदा, पसंदीदा ये लिखा हुआ है सेकंड लाइन में। थर्ड वर्ड है मस्जिद। सबने लगा लिए। फोर्थ वर्ड है आदाब। के बाद है मुनासिब। मुनासिब के बाद है एतकाफ। मुनासिब के बाद है फजाइल। लास्ट वर्ड है नमाज। ये सब मांग करें जल्दी से। फर्स्ट वर्ड है मकरूह, सेकंड पसंदीदा, थर्ड मस्जिद, फोर्थ है आधा, फिफ्थ एतका, सिक्स्थ है मुनासिब, सेवन्थ है नमाज और एट्थ है फजाई। हो गई ये सबका, सबको सारे वर्ड्स मिल गए हैं।
अब नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें दिया हुआ है कि मंदरजा ज़ैल अल्फ़ाज़ की जमा सबक में से तलाश करके लिखे वाहिद दिए हुए हैं, जमा हमने लिखनी है। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करने की कोशिश करनी है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं करवाऊँगी, लेकिन पहले मैं आप सबका चेक करूँगी कि आपने ये किया या नहीं। और जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको आपके कॉपी पे करना है, नीट हैंड राइटिंग में करना है, डेट एंड डे मेंशन करके ऊपर चैप्टर नेम लिखना है, सवाल जवाब लिखने हैं और फिर आपने काम करना स्टार्ट किया। काम गंदा गंदा नहीं करना, बहुत प्यारा करना है। अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया आज की क्लास में तो मेरे से पूछ ले, सबके क्वेश्चन आंसर मार्क्स हो गए, पजल बॉक्स सबने कर लिया है, अगर किसी का रह गया तो मेरे से पूछ ले। Yes, teacher. क्या समझ अर्शुमान या क्या कर रहे हैं? सबको समझ आ गया, क्वेश्चन आंसर सबने मार्क कर लिए हैं। थ्री तक थे ना? हाँ जी थ्री तक थे, कर लिए। दानिया आपके पास बुक्स नहीं है, आपने काम कैसे किया? दानिया आपके पास बुक नहीं है, आपने कैसे काम किया? टीचर मैंने तो बुक का काम ही नहीं किया, मैं तो लोग हो जा क्लियर करना है, मैंने वीडियो देख कर। तो कब जाएंगे आप लोग? और आपका कितना सारा काम इनकम्प्लीट रह गया? इस संडे में जा रही हूँ, बुकिंग हो गई है इस संडे की। चलिए ठीक है, ये वाला संडे जो आएगा ठीक है।